नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है AYT इंडिया अकेडमी। दोस्तों आज की वीडियो जो मैंने चुनी है ये चुनी है प्रोडक्शन सुपरवाइजर या प्रोडक्शन इंजीनियर के ऊपर कि एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर या प्रोडक्शन इंजीनियर से इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं या एक अच्छा प्रोडक्शन सुपरवाइजर इंजीनियर बनने के लिए आप लोगों को किस किस चीज के बारे में जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों ये वीडियो का जो चुनाव है मैंने ये किया है एक सर्वे डालकर। दोस्तों मैंने एक सर्वे डाला था लगभग 2 हफ्ते पहले कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहेंगे, तो जिसमें मोर देन 55% लोगों ने बोला कि हमें प्रोडक्शन सुपरवाइजर के ऊपर इंटरव्यू टिप्स का वीडियो देखना है। तो मैंने उसी बेसिस पे, उसी सर्वे के बेसिस पे इस वीडियो को तैयार किया है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो कंपनी के अंदर एक कमाऊ पुत्र की तरह होता है जिसका काम होता है मटेरियल को प्रोड्यूस करना ताकि उसको हम कस्टमर को बेच सकें। तो इसलिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके ऊपर जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो एफिशिएंटली और बहुत ही बेहतर तरीके से काम करे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहली टिप जो किसी प्रोडक्शन सुपरवाइज़र या प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए है वो है कि जो जर्नल टॉपिक्स हैं उनके बारे में उसकी क्या अवेयरनेस है। जो मैन्युफैक्चरिंग के जर्नल टॉपिक्स हैं उसके बारे में प्रोडक्शन सुपरवाइज़र या इंजीनियर को क्या अवेयरनेस है। जनरल टॉपिक क्या है जिसमें सबसे पहला है 5S। जो हमारा प्रोडक्शन सुपरवाइज़र है उसको 5S के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि 5S क्या है, हमें 5S करना क्यों ज़रूरी है, 5S करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 5S एक जैपनीज टर्मिनोलॉजी और सिस्टम है जिसका मकसद है कार्यस्थल को व्यवस्थित तरीके से रखना। और 5S जो है 5 स्टेप से मिलके बना है, सेरी सीटोन सीसो सिकेत्सु सिस्सू के। और इन 5ों स्टेप को हमें अपने शॉप फ्लोर के अंदर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और सभी लोगों को अवेयर करना है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है काइजन। काइजन दोस्तों 2 शब्दों से मिलके बना है, काई प्लस जेन। काइजन का मतलब होता है निरंतर सुधार या बेहतर के लिए सुधार करना। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे मैं मशीन चलाता हूँ, चाहे मैं टूल रूम के अंदर काम करता हूँ या कोई टूल बना रहा हूँ, तो मैं अपने कार्य करने के तरीके में डेली क्या सुधार लेके आ रहा हूँ वही काइजन है। तो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र को अपने शॉप फ्लोर के अंदर काइजन्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको इम्प्लीमेंट कराना है। इसके बाद में जो टर्मिनोलॉजी है वो है पोका योके। पोका योके के बारे में आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ और पहले भी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो पोका योके क्या होता है, बेसिकली ये एक मिस्टेक प्रूफिंग का सिस्टम है जो कि हम अपने टूल मशीन या शॉप फ्लोर के ऊपर लगाते हैं जिससे कि कोई व्यक्ति भूल कर भी कोई गलती ना कर पाए, ऐसा कोई सिस्टम लगा देना ही पोका योके कहलाता है। तो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र या इंजीनियर की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब वो शॉप फ्लोर पे है और शॉप फ्लोर पे घूम रहा है या काम कर रहा है तो वो ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करे जहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं और पोके ओके इम्प्लीमेंट करके उन चांसेस को 100% एलिमिनेट कर दे। दोस्तों जितने भी मैं अभी टॉपिक आप लोगों को इसमें बताऊंगा और जो यूज़फुल टिप्स बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड अगर मैंने वीडियो बनाई है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं ताकि आप डिटेल में जाके वो टॉपिक समझ सकें। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा सेफ्टी। दोस्तों प्रोडक्शन सुपरवाइज़र को ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि सेफ्टी के साथ शॉप फ्लोर पे काम हो। सेफ्टी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है 3 एस्पेक्ट होते हैं सेफ्टी के, मैन मशीन और मटेरियल। तो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र ने ये ध्यान देना है कि जितने भी मैन पावर काम कर रही है उन्होंने प्रॉपरली PPE पहना हुआ है, नहीं पहना हुआ है, उन्होंने हेलमेट लगा रखा है, नहीं लगा रखा, ग्लव्स पहने हैं, नहीं पहने, अगर ईयर प्लग की रिक्वायरमेंट है लगाए हैं, नहीं लगाए, मास्क की रिक्वायरमेंट है लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि मशीन को कोई नुकसान ना पहुँचे और ना ही हमारा मटेरियल जो है वो ख़राब हो
उसमें रस्ट लगे या वो डैमेज हो। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर को जानना बहुत ही ज़रूरी है, और सेफ्टी के साथ शॉप फ्लोर पे काम करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। इसके बाद जो अगला जनरल अवेयरनेस का या जनरल टॉपिक है वो है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नॉलेज। अगर मैं शॉप फ्लोर पे काम कर रहा हूँ और वहाँ पे वर्नियर, माइक्रोमीटर या प्रोफाइल प्रोजेक्टर यूज़ होते हैं और मुझे वह यूज़ करने नहीं आते, तो फिर मेरा शॉप फ्लोर पे काम करने का फायदा नहीं है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी रखना सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट का ही काम नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन सुपरवाइजर, इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव को भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने आने चाहिए, ताकि जो शॉप फ्लोर के ऊपर पार्ट बन रहा है वो उसको टाइम टू टाइम चेक कर सकें कि कोई दिक्कत नहीं आए और बेहतर क्वालिटी का मटेरियल प्रोड्यूस हो सके बिना किसी गलती के। तो इसलिए जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर या इंजीनियर है उसको जितने भी कंपनी के अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये तो थी जनरल टॉपिक्स जिनके बारे में प्रोडक्शन सुपरवाइजर को पता होना चाहिए। अब हम कुछ जानेंगे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं या टेक्निकल चीज़ें हैं वो प्रोडक्शन सुपरवाइजर या इंजीनियर को क्या क्या उनके बारे में पता होना चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ है वो है पीएफडी। पीएफडी की फुल फॉर्म होती है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होता है? अगर हम शॉप फ्लोर के ऊपर कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो किन किन प्रोसेसेस से गुजरेगा, किस किस मशीन पे जाएगा, क्या मैन पावर उसके ऊपर क्या प्रोसेस करेगी, कहाँ कहाँ क्वालिटी चेक होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं इन डिटेल प्रोसेस फ्लो डायग्राम या पीएफडी के अंदर मेंशन होती है। तो एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर या इंजीनियर को बहुत ही अच्छी तरीके से पीएफडी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो अपने दिमाग से मटेरियल बनवा रहा है जो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस है, उसको प्रोसेस फ्लो डायग्राम या पीएफडी को फॉलो करना है और उसी के हिसाब से मटेरियल को प्रोड्यूस करना है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है डीपीआर, जिसको हम बोलते हैं डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट। एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, हमें डीपीआर के बारे में पता होना चाहिए कि डीपीआर क्या होती है। डीपीआर बेसिकली क्या है कि पूरे दिन में हमारी मशीनों के ऊपर क्या क्या काम हुआ, कितने उस पे बंदे लगे, किस मशीन पे क्या प्रोसेस हुआ, किस मशीन में ब्रेकडाउन आया, क्या लॉसेज आए, किस मशीन ने कितनी परफॉर्मेंस के साथ काम किया, किस ऑपरेटर ने किस परफॉर्मेंस के साथ काम किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शिफ्ट एंड में डीपीआर के अंदर भरी जाती हैं। यूजुअली होता क्या है कि हम हर मशीन के ऊपर एक डीपीआर का फॉर्मेट लगा देते हैं, जो जो कि ऑपरेटर उसको भरता है या जो लाइन सुपरवाइजर होता है उसको भर देता है, और शाम को इन सब की एंट्री एक एक्सेल में की जाती है ताकि हम सॉफ्ट भी डेटा कलेक्ट कर सकें और मंथ बेस पे उसको हम एनालाइज कर सकें। तो एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर और इंजीनियर को डीपीआर के बारे में इन डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि डीपीआर कैसे भरना है और डीपीआर से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा मशीन एंड प्रोसेस इन डेप्थ नॉलेज। अगर मैं एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर या इंजीनियर किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ और वहाँ पे कई प्रकार के मशीनें हैं या प्रोसेसेस होते हैं, सपोज वहाँ पे सीएनसीज भी हैं, वीएमसी भी हैं, लेथ मशीनें हैं, प्रेस शॉप भी है, मोल्डिंग शॉप भी है, तो मुझे ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि प्रेस मशीन जो है वो कैसे काम करती है, उसके अंदर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। इसी तरीके से मोल्डिंग मशीन अगर वहाँ पर है तो मुझे मोल्डिंग की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और जो हमारे यहाँ प्रोसेसेस हो रहे हैं जैसे कोई स्टैम्पिंग हो रही है, पंचिंग हो रही है, अनीलिंग हो रही है, इंजेक्शन मोल्डिंग हो रही है, डी फ्लैशिंग हो रही है, तो उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो, हर चीज़ हमें उसके बारे में पता हो कि कोई अगर इशू आता है तो हम उसको रिजॉल्व कर सकें। साथ ही साथ अगर हम कहीं इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो वहाँ यही पूछा जाता है कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे किस प्रकार की मशीनें हैं या कौन कौन से प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। तो ऐसा ना हो सिर्फ हम काउंटिंग में लगे रहें कि इस मशीन पे इतने पार्ट बन गए, उस मशीन पे इतने पार्ट बन गए। जनरली क्या होता है, प्रोडक्शन वाले बस गिनतियों में लग जाते हैं कि आज 1,000 पीस भेजने हैं, आज 1,500 पीस भेजने हैं, वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं उन पे ध्यान नहीं देते, जिसके कारण वो क्या है उनकी एक ग्रोथ जो है स्टैग्नेंट रह जाती है और एक लिमिट के बाद उनको ग्रोथ नहीं मिल पाती। इसलिए जो भी मशीनें
या प्रोसेसेस किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां पर हैं उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो सबसे अहम चीज है किसी भी प्रोडक्शन सुपरवाइजर इंजीनियर के लिए, वो है मैन पावर हैंडलिंग। प्रोडक्शन सुपरवाइजर को मैन पावर हैंडलिंग करनी आनी चाहिए। होता क्या है कि जो हमारे ऑपरेटर होते हैं या हेल्पर होते हैं बहुत पुराने हो जाते हैं और इनको क्या होता है, नौकरी का खतरा नहीं होता। खतरा इन द सेंस, अगर आप प्रोडक्शन सुपरवाइजर हो, क्वालिटी में हो, तो आपको ये लगेगा यार मेरी नौकरी चली गई तो मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या है, हमारी जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं वहाँ पे ऑपरेटर और जो हेल्पर्स वगैरह होते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, उनको कोई नौकरी का खतरा नहीं होता। उनको लगता है यार यहाँ 10,000 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 रुपये तो कहीं भी मिल जाएंगे। तो वो क्या है कि प्रोडक्शन सुपरवाइजर को भाव नहीं देते, उसकी बातें को सुनते नहीं है, काटते हैं। तो ये टेक्निक आपको आनी चाहिए कि आप चाहे प्यार से काम निकलवाएं, धमका के काम निकलवाएं, या कैसे भी समझा के काम निकलवाएं, आपको मैन पावर हैंडलिंग आनी चाहिए ताकि आप सही समय पे सही क्वांटिटी में सही माल बना सकें और कस्टमर को डिलीवर कर सकें। क्योंकि जो हमारे मेन रिसोर्सेज हैं, जो चार रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड, उसके अंदर जो सबसे अहम रिसोर्स होता है वो मेरा मैन होता है। अगर आप मैन को ही मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप कोई माल प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे या आउटपुट नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको मैन पावर हैंडलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि एक लाइन पे कोई मैन पावर कम पड़ गई तो आप कैसे करोगे मैनेज कि दूसरी लाइन भी चलती रहे? तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्या होता है, टाइम के साथ आपको खुद ब खुद आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्किल इवेल्युएशन या स्किल मैट्रिक्स। एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंडर जो बंदे काम कर रहे हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल के हों या ऑपरेटर लेवल के हों या सपोर्टिंग स्टाफ के हों, उनके अंदर क्या क्या स्किल है या वो किस स्किल लेवल के हैं। सपोज मेरे पास एक बंदा है राम, उसको प्रेस मशीन भी चलानी आती है, उसको क्या है वेल्डिंग मशीन भी चलानी आती है। तो कभी क्या होगा, मान लीजिए आपको अर्जेंसी है और वेल्डिंग मशीन का ऑपरेटर नहीं आया, तो आप राम को वेल्डिंग मशीन पे लगा दोगे और आपकी वेल्डिंग की लाइन रुकेगी नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके नीचे जो मैन पावर काम कर रही है उसका स्किल क्या है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो बंदे आपके नीचे काम कर रहे हैं उनकी स्किल को भी इम्प्रूव करना है। उनकी स्किल को आप जितना इम्प्रूव करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके बाद जो सबसे अहम चीज है किसी भी प्रोडक्शन सुपरवाइजर इंजीनियर के लिए, वो है ओईई, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। आपको ओईई निकालना आना चाहिए कि आपकी मशीन जो है ओवरऑल क्या आउटपुट दे रही है। अगर आपको ओईई नहीं निकालना आता तो आपका एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर, एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर काम करना बेकार है। ये एक बहुत ही बेहतरीन यूनिट है किसी भी आउटपुट को मेजर करने की। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में आपकी जो मशीन है वो क्या परफॉर्मेंस देती है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, तीन टर्म्स होते हैं, एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। आपकी मशीन मान लीजिए 12 घंटे में से 10 घंटे अवेलेबल थी, तो जितने घंटे अवेलेबल थी और जितने टोटल टाइम था वो आपका हो गया एबिलिटी। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस कि आपकी मशीन चली 10 घंटे, उसने दी आउटपुट 8 घंटे की, तो 8/10 क्या हो गया, उस मशीन की परफॉर्मेंस हो गई। इसके बाद आता है क्वालिटी कि उसने बनाए 1,000 पीस, 1,000 पीस में से 900 पीस ओके थे, 100 पीस खराब थे, तो आपकी क्वालिटी रेटिंग क्या हो गई, 900/1,000। अब इन तीनों को आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या निकल के आएगा हमारा OEE। इसके ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पे जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं कि OEE क्या होता है और OEE को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद जो चीज आपको पता होना चाहिए वो है रेड बिन एनालिसिस या RBA। रेड बिन एनालिसिस क्या होता है कि डेली बेस पे जो हमारी मशीनों ने डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस किए, डिफेक्टिव का मतलब है चाहे वो रिजेक्ट हो या रिवर्क हो, तो जो भी हमारी मशीनों ने डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस किए हम उनको शिफ्ट एंड पे एनालाइज करते हैं कि उसके क्या क्या कारण रहे, और उसके ऊपर हम परमानेंट एक्शन लेते हैं जिसको हम कापा बोलते हैं कि आगे से वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो। तो इसको कहा क्या कहा जाता है, रेड बिन एनालिसिस। इसके ऊपर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं कि रेड बिन एनालिसिस क्या होता है। रेड बिन एनालिसिस क्वालिटी का काम नहीं है केवल, रेड बिन एनालिसिस के अंदर
क्वालिटी, प्रोडक्शन, टूल रूम, मेंटेनेंस सबका होना जरूरी है, क्योंकि फॉल्ट किसी भी डिपार्टमेंट की वजह से हो सकता है। तो रेड बिन एनालिसिस को ये ना समझे, ये सिर्फ क्वालिटी का काम है, ये प्रोडक्शन का भी उतना ही काम है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, फोर एम चेंज मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया, हमारे पास चार तरीके के रिसोर्स होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। अगर हम इन चारों रिसोर्सेज में थोड़े बहुत भी बदलाव करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है उस पे इम्पैक्ट आता है। तो इन्हीं चीज़ों को मैनेज करने को हम बोलते हैं फोर एम चेंज मैनेजमेंट, कि जब भी कोई चेंज हो तो उसको कैसे मैनेज करना है कि हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसके ऊपर इफेक्ट ना आए, इसी को कहा जाता है फोर एम चेंज मैनेजमेंट। आपको आई बटन ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इस पे जाके आप देख सकते हैं कि फोर एम चेंज मैनेजमेंट क्या होता है। इसके बाद जो है अगला टॉपिक वो है मशीन मेंटेनेंस। एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर आपको अपनी मशीनों से बात करना आना चाहिए। बात करना इन द सेंस, आपको अपनी मशीन की रग रग के बारे में पता होने चाहिए कि उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसके बेसिक पार्ट्स क्या हैं। और बेसिकली क्या है, जो क्लिट होता है, क्लीन लुब्रिकेट इंस्पेक्शन टाइटन, ये जो कॉन्सेप्ट है मशीनों की मेंटेनेंस का, आपको ये इंश्योर करना है कि आपके जो ऑपरेटर्स हैं और जो लाइन सुपरवाइजर्स हैं इसको फॉलोअप कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर आप ढंग से क्लिट को इम्प्लीमेंट करा देते हैं मशीनों के ऊपर तो आपकी 70-80% मेंटेनेंस के इश्यूज वैसे ही रिजॉल्व हो जाते हैं। तो आपको क्लिट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आपको ये अपनी मशीनों के ऊपर इम्प्लीमेंट कराना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस या TPM। दोस्तों इस पे भी मैं कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ, इन डिटेल आपको जानना हो तो आपको आई बटन दिख रहा होगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, वहां से जाके आप सीख सकते हैं कि TPM क्या होता है। यहाँ हम ब्रीफ में जानेंगे। बेसिकली क्या है, TPM एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम सारे एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हैं और अपनी जितनी भी मशीनें हैं उनको इस तरीके से मेंटेन करते हैं जैसे कि वो नई कंडीशन में थी, और आज की कंडीशन जो उनकी मशीनें पुरानी हो चुकी हैं वो आज भी उसी प्रोडक्टिविटी के साथ, उसी क्वालिटी के साथ मशीनें जो हैं आउटपुट दे रही हैं। ये सारी चीज़ें लागू करना क्या कहलाता है, TPM कहलाता है। TPM के टोटल 8 पिलर होते हैं, उनको हमें अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है फीफो एंड लीफो कॉन्सेप्ट। फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर आपको ये पता होना चाहिए कि फीफो क्या है। फीफो का मतलब हुआ कि जो मटेरियल पहले आया है वही हमें पहले कंज्यूम करना है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो मटेरियल बाद में आया उसको पहले खपा के पहले उसने प्रोड्यूस कर दिया, कस्टमर पे भेज दिया, तो क्या होगा, जो पुराना माल है वो रखा रह जाएगा और उसमें जंग लगने के चांसेस हैं, रस्ट लगने के चांसेस हैं, उसकी वारंटी खत्म होने के चांस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इसलिए एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर आपको ये निश्चित करना है कि जो मटेरियल पहले आया है वह पहले इस्तेमाल हो, यही फीफो कॉन्सेप्ट है। और लीफो कॉन्सेप्ट क्या है, जो मटेरियल बाद में आया है, जो लेटेस्ट मटेरियल है वो पहले इस्तेमाल हो। तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, फीफो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। जो सबसे मेन काम है किसी भी प्रोडक्शन सुपरवाइजर का वो है यील्ड इम्प्रूवमेंट। बेसिकली यील्ड क्या होता है कि आपने कितना रॉ मटेरियल डाला और आपको कितना फिनिश गुड मिला। सपोज आपने 100 ग्राम रॉ मटेरियल डाला और आपको जो फिनिश गुड मिला वो मिला 90 ग्राम, तो आपका क्या हुआ, 10% जो मटेरियल है वो लॉस हो गया और आपकी यील्ड जो निकली वो 90% निकली। तो एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यील्ड को आप इम्प्रूव करो और 100 की तरफ मैक्सिमम आप उसको लेकर के जाओ। नेक्स्ट जो जानकारी एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर आपको होनी चाहिए वो होनी चाहिए KPI और MRM के बारे में। KPI क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और MRM होता है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। आपके डिपार्टमेंट के KPI क्या हैं, जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको बताया जाता है कि आपके डिपार्टमेंट के और आपके इंडिविजुअल के KPIs ये हैं। सपोज कि आपको प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है बाई 10%, आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस करनी है बाई 10%, आपको टूलिंग कॉस्ट कम करनी है बाई 20%। तो ये क्या हो गए, हमारे KPIs। तो हमें अपनी KPIs के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और उनको हमें मॉनिटर करना आना चाहिए, और साथ ही साथ उनको हमें सस्टेन करना है, जो हमें टारगेट मिले हैं उनको अचीव करना है। ये सवाल भी अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली क्या है, जब कोई हम
प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ इनपुट होता है, उसके ऊपर प्रोसेस होती है और हमें एक आउटपुट मिलती है। तो ये प्रोसेस क्या हो गई? प्रोडक्शन। जबकि प्रोडक्टिविटी क्या है कि जो हमारे को रिसोर्सेज मिले हमने उसको कितना इफेक्टिवली यूज किया, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। सपोज पहले मैं 8 घंटे में 10 किलो माल बना रहा था 2 मैन पावर के साथ, आज मैंने 8 घंटे में 12 किलो माल बनाना शुरू कर दिया 2 मैन पावर के साथ, तो ये क्या हो गया? प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो गई बाय 2 किलोग्राम। तो हमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है BOM और BOQ। BOM क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल, और BOQ क्या होता है? बिल ऑफ क्वांटिटी। इस पे भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आपको आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। BOM क्या होता है? जब कोई आप असेंबली का पार्ट बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या मटेरियल लगेगा। सपोज मैंने एक पेन बनाना है, उसके अंदर एक रिफिल लगेगी, एक ढक्कन लगेगा, एक एंड कैप लगेगा, ये सारी चीजें जो हैं ये क्या हो गए? BOM के पार्ट हो गए। कितनी कितनी क्वांटिटी में लगेंगे, तो आपको BOM के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि BOM क्या होता है, और आप जब असेंबली के अंदर माल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको BOM को फॉलो भी करना आना चाहिए। इसके बाद जो हमारी 17वीं टिप है वो है हमारी साइकिल टाइम, टेक टाइम और लीड टाइम। एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि साइकिल टाइम क्या होता है, टेक टाइम क्या होता है और लीड टाइम क्या होता है। बेसिकली साइकिल टाइम क्या है कि आप एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम ले रहे हैं या एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहे हैं, वो आपका हो गया साइकिल टाइम। टेक टाइम क्या है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या आपको रफ्तार चाहिए कि आप कस्टमर के ऑर्डर को मीट कर पाए। मतलब साइकिल टाइम तो हो गया कि भाई मेरे को 10 मिनट लगते हैं, लेकिन कस्टमर की डिमांड इतनी है कि आपको वो 8 मिनट में बनाना पड़ेगा, वो हो गया हमारा टेक टाइम। और लीड टाइम क्या होता है कि स्टार्ट टू फिनिश किसी कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है। मान लीजिए उसमें 10 प्रोसेस हैं, अगर मैं आज प्रोसेस शुरू करूंगा तो वो 10 प्रोसेस खत्म होने मान लीजिए 5 दिन लगेंगे, तो हमारा वो क्या हो गया? लीड टाइम। और एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर, प्रोडक्शन इंजीनियर, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है साइकिल टाइम रिडक्शन की, क्योंकि साइकिल टाइम रिडक्शन जो है वो हमारा डायरेक्टली लीड करता है कॉस्ट रिडक्शन में। क्योंकि जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रोल है वो सबसे बड़ा रोल यही है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ करे और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करे, जिससे कंपनी को बेनिफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। इसके बाद जो है आपको ये पता होना चाहिए कि पर मैन पावर आउटपुट कैसे निकालते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट KPI है किसी भी प्रोडक्शन सुपरवाइजर के लिए। आपको ये निकालना आना चाहिए कि अगर मेरे 1000 पीस बने पर मैन पावर क्या आउटपुट आई। सबसे मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि भैया कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है क्वालिटी से रिलेटेड, आपको जस्ट ऐसे ही नहीं पास ऑन कर देना क्वालिटी को। होता क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है, मशीन खड़ी कर देता है कि जी बस अब मेरे हाथ खड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्वालिटी डिपार्टमेंट आके चलवाएगा मशीन। भैया क्वालिटी क्या है? एक पुलिस इंस्पेक्टर है एक तरीके से, जब गलती हो जाएगी ना तो वो आपको बताएगा कि भाई ये गलती हो गई। लेकिन एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप मशीन को रुकने ना दें, अगर कोई क्वालिटी इश्यू उसके अंदर आ रहा है उसको रिजॉल्व करें। क्योंकि क्वालिटी का काम प्रोड्यूस करना नहीं है, प्रोड्यूस करना आपका ही काम है, प्रोडक्शन का ही काम है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कैसे अच्छे पार्ट बनाने हैं। क्वालिटी तो क्या है? एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक फायरवॉल है, वो एक बस क्या करेगी, डिफेक्टिव पार्ट को जाने से रोक लेगी, मशीन रुकवा देगी, लेकिन करना तो आपने ही है। तो आपने ऐसे ही जस्ट क्वालिटी पे पास ऑन नहीं कर देना प्रॉब्लम को, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आना चाहिए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, सबसे एक जरूरी जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर इंजीनियर के लिए स्किल है वो है कंप्यूटर स्किल। आपको जो है पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड और आज के ज़माने में जो गूगल शीट्स, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि कोई आपको अगर MIS बनाने के लिए बोलता है, कोई रिपोर्ट बनाने के लिए बोलता है, तो आप आसानी से बना सको। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके हाथ कांपने लगते हैं कंप्यूटर का नाम सुनते ही, लेकिन आज की ये नीड बन गई है कि आपको कंप्यूटर की भी उतनी ही नॉलेज हो जितनी कि आपको टेक्निकल नॉलेज है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये सारी टिप्स आप यूज़ करके अपने आप को एक बेहतर प्रोडक्शन सुपरवाइजर इंजीनियर बना पाएंगे। धन्यवाद।